Swayam Prabha, Digital India, Educated India. तो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस माई फिफ्थ लेक्चर दिस इज फिफ्थ चैप्टर एंड द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कसन इज चार्ज फ्रेमिंग आपराधिक मामलों में आरोप तय किया जाना चूँकि मैंने ये स्लाइड और व्याख्यान हिंदी माध्यम में और हिंदी भाषा भाषी क्षेत्र के प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए छात्रों को के हितों को ध्यान में रखते हुए हिंदी भाषा में बनाने का प्रयास किया है तो इस फिफ्थ चैप्टर के अंतर्गत हम ये देखेंगे कि आपराधिक मामलों में न्यायालय के द्वारा चार्ज कैसे फ्रेम किया जाता है और चार्ज फ्रेम करने के दौरान न्यायालय किन किन प्रक्रियाओं को फॉलो करने के लिए बाध्य है जैसा कि आप जानते हैं आपराधिक मामलों में अन्वेषण के पश्चात पुलिस के द्वारा प्रस्तुत की गई पुलिस रिपोर्ट चार्जशीट के आधार पर आपराधिक न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जाता है संज्ञान लिए जाने के पश्चात न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप का तय किया जाना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिससे कि उस अपघटित अपराध के विषय में न्यायालय के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि उस अभियुक्त के द्वारा आरोपित अभियुक्त ने वह अपराध किया है अथवा नहीं तो इसलिए आवश्यक है कि उस अभियुक्त के विरुद्ध जिसके लिए चारीट पुलिस ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है और आपराधिक न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया है उस संज्ञान लिए जाने के पश्चात क्या वास्तव में उस अभियुक्त के द्वारा आरोपित अभियुक्त ने अपराध किया है अथवा नहीं यह सुनिश्चित करने के लिए विचारण के माध्यम से न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचता है कि यह दोष सिद्धि की जाए अभियुक्त को या दोषमुक्त किया जाए लेकिन विचारण प्रारंभ होने के पूर्व और संज्ञान लिए जाने के पश्चात ये बात ध्यान रखनी है कि आरोप तय कब किया जाता है तो यह संज्ञान लिए जाने के पश्चात और विचारण प्रारंभ करने के पूर्व आपराधिक न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय किया जाना एक आवश्यक प्रक्रिया है जिससे कि ट्रायल विचारण प्रारंभ किया जा सके तो पहले इस चैप्टर पाँच के अंतर्गत देखेंगे स्लाइड के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि जैसा कि मैंने स्लाइड पर आपको ये दिखाया है दर्शित किया है कि सेक्शन 211 से लेकर के 224 तक आरोप तय करने के विषय में प्रोसीजर दिया गया है सीआरपीसी के अंतर्गत आरोप की परिभाषा जैसा स्लाइड पर आप देख सकते हैं धारा टू बी के अंतर्गत दिया गया है जिसको अभी हम इस पर चर्चा करेंगे कि ये चार्ज है क्या चार्ज का उद्देश्य क्या है मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि राइट टू फेयर ट्रायल राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ चार्ज राइट टू डिफेंड ये सभी फेयर ट्रायल के अभिन्न पार्ट हैं और इसमें चार्ज में किन किन तत्वों को समावेशित किया जाएगा अभियुक्त का नाम और उसका डिटेल आरोप में यदि गलती होती है तो उसका प्रभाव क्या होगा और आरोप में यदि अल्ट्रेशन किया जाता है तो उसका प्रभाव क्या होगा जैसा कि मैंने बताया आपराधिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 बी के अंतर्गत चार्ज को डिफाइन किया गया है अकॉर्डिंग टू सेक्शन टू बी ऑफ द सी आर पी सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री आरोप से तात्पर्य एक या एक से अधिक आपराधिक शीर्षों से है अब जो धारा टू बी के अंतर्गत आरोप की परिभाषा सीआरपीसी में दी गई है उससे स्पष्ट नहीं, नहीं हो रहा है कि चार्ज का तात्पर्य क्या है चार्ज का अर्थ क्या है तो इसको देखें हम सरल भाषा में यदि समझें तो चार्ज का अर्थ अभियुक्त के विरुद्ध लगाया गया आपराधिक अभियोग आरोप कहलाता है लैक्सिकन डिक्शनरी के अनुसार जो शब्दावली शब्दकोश के अनुसार आरोप से तात्पर्य अभियुक्त के विषय में उसके द्वारा किए गए अपराध की संक्षिप्त सूचना अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध की संक्षिप्त सूचना आरोप कहलाता है आरोप का उद्देश्य क्या है चार्ज फ्रेमिंग का उद्देश्य क्या है आरोप तय करने का उद्देश्य अभियुक्त को उसके द्वारा किए गए अपराध के विषय में संक्षेप में सूचना प्रदान करना जिससे कि वह अपना बचाव न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से कर सके यह चूंकि आपराधिक विधि का आधारभूत सिद्धांत है प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न कर दिया जाए इसलिए प्रत्येक अभियुक्त को यह अधिकार है यह जानने का कि उसके विरुद्ध किन आधारों पर अभियोग लगाया गया है और कौन से अपराध हैं यह जानने का उसका मौलिक अधिकार है क्योंकि हम ये जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 1948 में सार्व मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा की गई हम जिसको संक्षेप में यूडीएचआर 1948 कहते हैं उस यूडीएचआर 1948 के अंतर्गत भी राइट टू फेयर ट्रायल निष्पक्ष विचारण का अधिकार एक मानवाधिकार के रूप में प्रावधानित किया गया है कि आपराधिक विधि के अंतर्गत आपराधिक न्यायालय का यह संवैधानिक दायित्व तो है कि वह निष्पक्ष विचारण सुनिश्चित करें फेयर ट्रायल सुनिश्चित करें और फेयर ट्रायल के लिए आवश्यक है कि अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध की संक्षिप्त सूचना उसे प्रदान किया जाए जिससे वह अपना बचाव न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से कर सके इसलिए राइट टू फेयर ट्रायल निष्पक्ष विचरण का अधिकार यह अभियुक्त का मानवाधिकार है और अभियुक्त को यह अधिकार इसलिए प्राप्त है क्योंकि मैंने जो बताया अपराधिक विधिका सिद्धांत आधारभूत सिद्धांत कि प्रत्येक व्यक्ति निर्दोष है जब तक उसका दोष न्यायालय के समक्ष साबित न कर दिया जाए इस अवधारणा के तहत जिसे हम निर्दोषिता की उपधारणा कहते हैं इनोसेंस कहते हैं इस उपधारणा के तहत अभियुक्त को भी जब तक उसका दोष साबित न कर दिया जाए उसको समस्त बुनियादी सुविधाएं अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए तो राइट टू फेयर ट्रायल निष्पक्ष विचारण उसी क्रम में अभियुक्त का एक महत्वपूर्ण अधिकार है कुछ राइट टू फेयर ट्रायल के कुछ आवश्यक कंपोनेंट हैं तत्व हैं जिसके अभाव में अभियुक्त का ट्रायल अभियुक्त का जो विचारण है पूरा का पूरा अपास्त किया जा सकता है अपीली न्यायालय के द्वारा यदि कब कोई भी ट्रायल फेयर कहा जाएगा उसके लिए कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं जैसे कि अभियुक्त का गिरफ्तारी के आधारों को जानने का अभियुक्त को आरोप के विषय में अपने अपने विरुद्ध लगाए गए एलिगेशन के विषय में जानने का अधिकार उसका अभियुक्त को अपना अधिवक्ता अपॉइंट करने का अधिकार अभियुक्त को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार यदि वह निर्धन है गरीब है तो यह राइट टू गेट फ्री लीगल एड एंड राइट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय काउंसिल अपने पसंद के अधिवक्ता से बचाव कराने का अधिकार यदि निर्धन है तो उसे निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार स्पीडी ट्रायल यह ऐसे बुनियादी बेसिक राइट्स हैं जो अभियुक्त को ट्रायल के समय विचारण के समय ट्रायल कोर्ट के द्वारा सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होता है तो उसी क्रम में आरोप भी तय करना राइट टू फेयर फेयर ट्रायल का निष्पक्ष विचारण का एक आवश्यक कंपोनेंट है इसलिए आपराधिक मामलों में आपराधिक न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय किया जाना आवश्यक है और आरोप तय करते समय न्यायालय किन किन बातों का ध्यान रखेगा चार्ज में किन किन तत्वों को समावेशित करेगा यह सी आर पी सी नाइनटीन सेवेंटी थ्री की धारा दो सौ ग्यारह से लेकर के दो सौ चौदह के अंतर्गत दिया हुआ है जो कंटेंट ऑफ चार्ज है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आरोप के अंतर्गत कौन कौन से तत्व सम्मिलित होंगे तो अब देखते हैं कि आरोप के अंतर्गत कौन कौन से तत्व न्यायालय के द्वारा समावेशित किए जाएंगे इसके लिए सीआरपीसी की धारा 211 प्रावधान करती है धारा दो ग्यारह के अनुसार आपराधिक न्यायालय किसी भी अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय करते समय निम्नलिखित बातों को समावेशित करेगा आरोप में कौन सा है पहला है अभियुक्त का नाम उसके द्वारा किए गए अपराध का नाम जैसे कि अभियुक्त ने चोरी किया है अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध का नाम अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध की तारीख और समय किस तारीख और समय पर अभियुक्त के द्वारा अपराध किया गया है अभियुक्त के द्वारा किस तरीके से अपराध किया गया यद्यपि कि तरीका मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम का उसमें उल्लेख नहीं किया जाता परंतु जब जहां पर यह स्पष्ट न हो पाए कि किस तरीके से अपराध किया गया है वहां पर तरीके मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम का भी उल्लेख किया जाना न्यायालय के लिए आवश्यक है उदाहरण के तौर पर जैसे कि कुछ ऐसे अपराध हैं जिसमें यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि यह आपराधिक न्यासभंग है या आपराधिक दुर्विनियोग है वैसी स्थिति में न्यायालय के लिए आवश्यक हो जाता है कि तरीके का उल्लेख किया जाए जिससे कि निष्कर्ष पर पहुंचा जाए कि अपराध किस तरीके से किया गया है वह न्यासभंग और चोरी में अंतर को स्थापित करेगा उदाहरण के तौर पर हम इसको समझें कि जैसे किसी मालिक के द्वारा कोई ओनर है मालिक अपने घर की समस्त सामग्री सामान अपने नौकर के को सुपुर्द करके और धार्मिक यात्रा पर जाता है एक महीने के लिए एक माह पश्चात धार्मिक यात्रा से जब वो लौटता है देखता है कि उसके घर में जो भी प्लेट हैं जो भी उसके घर की चल संपत्तियां हैं वह नौकर के द्वारा वहां से हटा दिया गया है बाद में नौकर कबूल करता है कि उसने कुछ पैसे के लिए उसकी कुछ सामग्री बेच दिया था तो ये जो अपराध है अब इसमें स्पष्ट हो रहा है कि यह चोरी के लिए उसको यह चोरी माना जाए या यह आपराधिक न्यासभंग हो तो चूंकि ऐसी स्थिति में अपराध के तरीके का उल्लेख किया जाना आरोप तय करते समय आवश्यक हो जाता है यद्यपि कि यह जो मैंने उदाहरण दृष्टांत बताया यह दृष्टांत क्रिमिनल ब्रिज ऑफ ट्रस्ट का है कि वह प्रॉपर्टी ट्रस्ट के इंटरेस्टेड की गई थी उस सर्वेंट को और उस संपत्ति को नष्ट करने के पश्चात स्वामी धार्मिक यात्रा पर जाता है तो ये बिल्कुल आपराधिक भंग है और इस ऐसी स्थिति में ऐसे ही धोखाधड़ी के मामले में 420 जो हम आईपीसी 420 का पढ़ते हैं मामला जहाँ पर कि किसी व्यक्ति के द्वारा धोखाधड़ी किया जाता है या दस्तावेज में हेरा फेरी किया जाता है वहाँ पर अब वह दस्तावेज में फेरबदल किया गया है उस वहां पर मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम का उल्लेख किया जाना आवश्यक है जैसे कि हम आई के अंतर्गत जानते होंगे अभयानंद मिश्रा बनाम बिहार राज्य का केस है जिसमें कि अभियुक्त स्नातक नहीं है परंतु अपने को स्नातक की डिग्री लेकर के और पटना विश्वविद्यालय में प्रस्नातक के लिए एमए के लिए फॉर्म डालता है परंतु पटना विश्वविद्यालय के द्वारा जब जांच की गई तो पाया गया कि वह स्नातक नहीं है और इसलिए उसके जो एम का एडमिशन था वो कैंसिल कर दिया गया तो यहाँ पर किस तरीके से उसने चीट किया मैनर ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम आरोप तय करते समय न्यायालय के द्वारा उल्लेख किया जाना आवश्यक है तो यह ध्यान रखना है कि यद्यप कि प्रत्येक अपराध में चार्ज फ्रेमिंग के समय आरोप तय करते समय न्यायालय अपराध के तरीके का उल्लेख नहीं करता लेकिन वहां पर जब जहां संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है वहां पर न्यायालय के द्वारा आरोप तय करते समय किस तरीके से अपराध किया गया इसका भी उल्लेख किया जाता है जिससे कि और अस्पृता सके और अभियुक्त न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत न कर सके कि उसे वह भुलावे में पड़ गया या उसे आ, उसके द्वारा जो किया गया अपराध है वह आरोपित अपराध से भिन्न है इसलिए तरीके का उल्लेख किया जाना आवश्यक है तो सेक्शन टू इलेवन टू ट्वेल्व एंड टू, टू, टू थर्टीन को मिला दिया जाए चार्ज के अंतर्गत तो हमें पाते हैं कि आरोप के जो कंटेंट है आरोप के अंतर्वस्तु है उसके अंतर्गत अभियुक्त का नाम पता उसका पूरा विवरण दूसरा तत्व तो इसका आरोप तय करते समय न्यायालय आरोप में किन तत्वों को समाविष्ट करेगी सेकेंड इंपॉर्टेंट एलिमेंट है अभियुक्त के द्वारा किए गए अपराध का नाम जैसे अभियुक्त ने चोरी किया है या हत्या किया है तो हत्या और उस विधि का नाम जिस विधि के अंतर्गत उसने अपराध किया है तो हत्या आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त को अभियोजित अभियुक्त के विरुद्ध आरोप तय किया जाता है इस प्रकार का न्यायालय के द्वारा स्टेटमेंट कथन चार्ज में आरोप में लिखा जाता है दूसरा नेक्स्ट इसमें आरोप के अंतर्गत जो तत्व होगा वह है पछकारों के नाम जो अपराध पीड़ित हैं कि हत्या किस दिन की गई तारीख और समय का उल्लेख होगा कौन अपराध पीड़ित हैं उसका उल्लेख आरोप के अंतर्गत चार्ज फ्रेमिंग के अंतर्गत न्यायालय के द्वारा किया जाता है यह हो गया कंटेंट ऑफ चार्ज आरोप के तत्व अब इस संक्षेप सूचना को यह जो संक्षेप में अपराध के विषय में सूचना जो न्यायालय के द्वारा अभियुक्त को दी जा रही है इससे अभियुक्त अपना बचाव न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से कर सकता है और उसकी यह दलील या उसका यह तर्क कि उसे उस अपराध के विषय में लगाए गए आरोपों की सूचना नहीं थी अब वह तर्क अस्वीकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि तय आरोप तय करते समय न्यायालय ने पूरा डिटेल पूरा विवरण अभियुक्त के विरुद्ध संक्षेप में उपलब्ध करा दिया है जिससे कि अभियुक्त किसी प्रकार का आ, कोई भी तर्क न्यायालय के समक्ष जब विचार प्रारंभ होगा ट्रायल प्रारंभ होगा तो नहीं कर सकता है अब आरोप के तत्व जो एलिमेंट्स हैं आरोप इनमें इन बातों को ध्यान में रखते हुए आरोप बिजित कर दिया गया जिसको हम फ्रेम चार्ज फ्रेमिंग बोलते हैं आरोप तय किया जाना अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यदि चार्ज फ्रेमिंग में न्यायालय गलती कर दे चूंकि न्यायाधीश भी मानव प्राणी है समाज से आता है कभी ऐसी गलती हो जाए आरोप तय करते इसमें धाराओं का परिवर्तन हो जाए या कोई साक्ष तय करते समय कोई तत्व तो एलिमेंट जो है वह न्यायाधीश के द्वारा आरोप तय करते समय छूट जाए तो उस गलत आरोप तय करने का प्रभाव क्या होगा यह धारा टू फिफ्टीन में दिया गया है तो स्वाभाविक है यदि आरोप तय करते समय न्यायालय के द्वारा आरोप में महत्वपूर्ण गलती है महत्वपूर्ण गलती का मतलब यदि धाराओं को जैसे अब अभियुक्त ने चोरी का अपराध किया है चार्जशीट चोरी की आई है उसको धारा थ्री सेवेंटी आईपीसी के अंतर्गत चोरी के लिए चार्जशीट आई है उस पर संज्ञान लिया गया है और उसी के धाराओं में आरोप तय किया जा रहा है तो यह कभी ऐसा नहीं हो सकता कि न्यायालय ऐसे अभियुक्त को मर्डर के लिए हत्या के लिए आरोप तय कर देगी क्योंकि मर्डर और चोरी का बहुत डिफरेंस है दोनों में काफी डिफरेंस है परंतु ऐसा हो सकता है कि अभियुक्त के द्वारा यदि किसी मकान में आगजनी की गई आग लगाया गया और उस आगजनी से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो अभियुक्त के विरुद्ध दो प्रकार की धाराएं लगेंगी आगजनी की धारा लगेगी और आगजनी के परिणाम स्वरूप यद्यपि को उसका मारने का इरादा न रहा हो लेकिन आगजनी का जो इफेक्ट है कॉन्सिक्वेंस है आग लगाने का जो कॉन्सिक्वेंस है यदि मानव यदि आवास में मानव जहाँ पर कोई मनुष्य रह रहा है अगर वहाँ पर आगजनी की जाती है तो आगजनी के दौरान उसका दुष्परिणाम इतना व इतना अनधंभाव है हाईली हाई प्रोबेबिलिटी है कि उसमें रहने वाले व्यक्तियों की मृत्यु भी हो सकती है तो वहां पर आगजनी और उस अभियुक्त अभ्य, के विरुद्ध हत्या दोनों के मुकदमे दोनों के धाराओं में आरोप तय किया जा सकता है अभियुक्त यह नहीं कह सकता है कि उसका केवल और केवल आगजनी का इरादा था उसका हत्या करने का मृतकायत करने का इरादा नहीं था क्योंकि यह माना जाएगा कि हर प्रत्येक व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के वास्तविक रिजल्ट को परिणाम को जानता है जो प्राकृतिक परिणाम है हर व्यक्ति अपने द्वारा किए गए कार्य के प्राकृतिक परिणाम को जानता है मैं आग लगा रहा हूँ अगर किसी मकान में तो उस आग के विभीषिका को आग के दुष्परिणाम को मुझे मालूम है कि यह कितना विभस हो सकता है यदि आग फैलेगी तो किसी की मृत्यु हो सकती है तो ऐसी स्थिति में जहाँ पर जो घटित अपराध है वह किए गए कार्य का अनधंभाव्य परिणाम है तो उस स्थिति में अभियुक्त दोनों अपराधों के लिए या जो उसका कॉन्सिक्वेंशियल रिजल्ट है उसके लिए भी उस जो अपराध जो एक अपराध किया है उससे संलग्न जितने भी अपराध हैं उसके लिए भी अभियुक्त उत्तरदायी हो सकता है तो आगजनी और मृत्यु की स्थिति में अभ्युक्त के विरुद्ध दोनों धाराएं लगेंगी वहां पर अभियुक्त यह नहीं कर सकता कि गलत आरोप तय कर दिया गया है उसने केवल आगजनी की है और आगजनी मारने का नहीं था हत्या करने का कोई इरादा नहीं था तो ऐसी स्थिति में यदि आरोप तय करते समय न्यायालय के द्वारा कोई गलती कर दी जाए तो उसका प्रभाव क्या होगा यह सेक्शन 215 में बताया गया है उसमें दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है कि यदि गलत आरोप किसी अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय के द्वारा तय किया जाता है तो गलत उस वह गलती तब तक महत्वपूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक कि अभियुक्त वास्तव में भुलावे में न पड़ गया हो और अपना न्याय अपना बचाव प्रभावी तरीके से न कर पाया हो अर्थात आरोप तय करते समय न्यायालय के द्वारा यदि कोई गलती कर दी गई है कोई लोप कर दिया गया है ओमिशन हो गया है तो वह गलती के आधार पर भी यदि दंडादेश दे दिया जाए निर्णय दे दिया जाए तो उसे अवैध नहीं माना जाएगा जब तक कि अभियुक्त यह न्यायालय में साबित न कर दे कि जो आरोप तय किया गया था गलत था उससे अभियुक्त अपना बचाव नहीं कर पाया एक दृष्टांत जो दिया है धारा 215 में कि एक अभियुक्त हैदरबक्स उसने वर्ष 2020 में खुदा बक्स नाम के व्यक्ति की हत्या की है उसके विरुद्ध हैदरबक्स के विरुद्ध बक्स की हत्या के लिए धारा 302 सौ आईपीसी के अंतर्गत अभियोजन लाया जाता है न्यायालय के समझ अभियोजन यह साबित करता है कि हैदर बक्स ने पूर्व में कभी भी कोई अपराध नहीं किया है तो यहां पर तारीख यदि जो डेट ऑफ कमीशन ऑफ क्राइम है यदि वह एक दिन गलत भी हो जाए वास्तव में अपराध हुआ है आ, 15 अगस्त 1920 को और आरोप पत्र जो चार सीट आई है न्यायालय के समक्ष न्यायालय ने जो संज्ञान लिया है वह लिया है 14 अगस्त 2020 को तो जो एक दिन का जो अंतराल है और यदि पहले उसने कोई अपराध नहीं किया केवल एक ही हत्या का मामला है तो ऐसी स्थिति में न्यायालय उस गलती को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानेगा क्योंकि अभियुक्त ने अगर अभियुक्त के पक्ष में सभी उसके गवाह डिफेंस विटनेस न्यायालय के समक्ष सभी डिफेंस विटनेस की गवाही सही तरीके से हुई है और उसके बाद उसका दोष सिद्धि हुआ है तो अभियुक्त ये नहीं कह सकता कि वास्तव में अपराध हुआ है पंद्रह अगस्त को और यहाँ पर जो चार्जशीट में मामला या न्यायालय जो आरोप तय की है उसमें उसने दर्शित कर दिया चौदह अगस्त एक दिन का जो समय अंतराल है वह उस पूरे न्यायालय के एक्सरसाइज को अवैध नहीं कर सकता है परंतु वहीं पर यदि अभियुक्त के द्वारा एक ही वर्ष में और एक दिन के समय अंतराल पर दो प्रकार की दो हत्याएं की जाती हैं दो मर्डर किए जाते हैं एक हत्या वह 14 अगस्त को करता है दूसरा मर्डर वह 15 अगस्त 2020 को कर देता है दरबक्स तो ऐसी स्थिति में जब वह न्यायालय जब उसका आरोप तय होता है तो उसके विरुद्ध उसके गवाहों के जो साक्षियों की लिस्ट है सूची है वह एक दूसरे में परिवर्तन हो जाता है अर्थात जो पहले उसने हत्या की है उसमें दूसरे वाले मर्डर के गवाह आ जाते हैं और दूसरे वाले हत्या के केस में उसके पहले जो विटनेस हैं साक्षी हैं वो आ जाते हैं तो ऐसी स्थिति में जो साक्षियों का अदला बदली है जो साक्षियों का परिवर्तन है एक दूसरे मामले में निश्चित रूप से यदि उसमें ट्रायल और कन्विक्शन होगा तो वहाँ पर वह जो चार्ज फेमिंग हुई है वह गलत माना जाएगा और वह पूरी एक्सरसाइज पूरा जो न्यायालय का गलत आरोप तय किया गया है उस गलत आरोप तय करने को तात्विक मानते हुए महत्वपूर्ण मानते हुए अपीली न्यायालय उस पूरे के पूरे ट्रायल को शून्य कर देगा और गलत आरोप तय करने के आधार पर दंडादेश को अपास्त कर दिया जाएगा सेटिसाइड कर दिया जाएगा शून्य कर दिया जाएगा तो यह ध्यान रखना है कि कब गलत आरोप तय करने के आधार पर कार्रवाई को शून्य किया जा सकता है अपास्त किया जा सकता है और कब अपास्त नहीं किया जा सकता है यह सेक्शन 215 फिफ्टीन में दिया हुआ हम 215 को स्लाइड के माध्यम से यदि देखें तो सेक्शन 215 और सेक्शन 465 एक साथ पढ़ा जाता है धारा चार और मैंने आगे लिख लिखा है आरोप में परिवर्तन धारा दो सौ तो सेक्शन 465 सिक्सटी यहां पर क्यों महत्वपूर्ण है सेक्शन 465 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि आपराधिक न्यायालय के द्वारा दिया गया कोई भी दंडादेश कोई भी निष्कर्ष कोई भी आदेश मात्र इस आधार पर अवैध नहीं समझा जाएगा कि वह गलत आरोप या आरोप में त्रुटि के कारण या आरोप में लोप के कारण वह निर्णय दिया गया है जब तक कि यह साबित न हो जाए कि ऐसे गलत आरोप से या आरोप में लोभ से अभियुक्त भुलावे में पड़ गया और अभियुक्त के प्रति न्याय नहीं हो पाया मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है ऐसी स्थिति में ही आपराधिक न्यायालय के किसी निष्कर्ष या दंडादेश को पलटा जा सकता है बदला जा सकता है तो हम सेक्शन जब 215 और धारा 465 को एक साथ पढ़ते हैं तो हम ये पाते हैं कि धारा 465 के अंतर्गत जो अमिशन हुई है चूक हुई है आरोप तय करने में या कोई एरर हुआ है आरोप तय करने में त्रुटि हुई है आरोप चार्ज फ्रेमिंग में उसका इफेक्ट क्या है यह सेक्शन फोर सीआरपीसी के अंतर्गत दिया हुआ है अब आते हैं कि आरोप तय करते समय न्यायालय के द्वारा आरोप में कब तक परिवर्तन किया जा सकता है ये सेक्शन 216 में दिया हुआ है अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज आरोप में परिवर्तन तो सीआरपीसी की धारा 216 यह प्रावधानित करती है कि स्लाइड के माध्यम से मैं देखिए मैंने जो तीसरा थर्ड लिखा हुआ है आरोप में परिवर्तन अल, अल्ट्रेशन इन चार्ज कब चार्ज में अल्ट्रेशन हो सकता है यह सेक्शन टू सिक्सटीन कोर्ट को यह पावर देती है कि कोर्ट निर्णय सुनाए जाने के पूर्व आरोप में कभी भी परिवर्तन कर सकता है परिवर्तन के अंतर्गत आरोप का बढ़ाया जाना या आरोप में आरोप आरोपी धाराओं जो धाराएं हैं वह बढ़ा भी सकती है अभ्युद्ध के विरुद्ध या धाराएं कम कर सकती है कब तक तो यह धारा 216 में दिया हुआ है कि निर्णय सुनाए जाने के पूर्व आपराधिक न्यायालय आरोप में कभी भी परिवर्तन कर सकती है जब आरोप में परिवर्तन होगा तो स्वाभाविक है कि अभियुक्त को अवसर प्रदान किया जाएगा कि उसके जो साक्षी हैं जो विटनेस हैं वे उनका भी एग्जामिनेशन किया जाए परीक्षा किया जाए और यदि प्रोसिक्यूशन को यदि रिड्यूस किया जा रहा है आरोप में कोई कि आरोपी धाराओं में कोई तब्दीली की जा रही है कम धाराएं लगाई जा रही हैं कम कारावास पनिशमेंट की धाराएं लगाई जा रही हैं तो ऐसी स्थिति में अभियोजन को यह धारा दो सौ में लिखा हुआ है कि आरोप में कोई भी परिवर्तन बिना अभियोजन और अभियुक्त को सुने हुए नहीं किया जाएगा तो सेक्शन 216 दो बातें कहता है एक तो यह कहता है कि कोर्ट को पावर सेक्शन 216 देता है कि कोर्ट आरोप में परिवर्तन कर सकता है क्रिमिनल कोर्ट क्रिमिनल कोर्ट्स आर फ्री टू एल्टर द चार्जेस कब तक निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कभी भी आरोप में परिवर्तन हो सकता है परंतु यदि आरोप में परिवर्तन करना है न्यायालय को तो यह तब तक नहीं होगा जब तक कि अभियुक्त अथवा अभियोजन को न सुन लिया गया हो यह जो मिनिमम रिक्वायरमेंट दी गई है उसका एक उद्देश्य है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नैसर्गिक ने न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित सिद्ध करना जिससे कि अभियुक्त यह न कह सके कि उसे बिना सुने हुए उस, बिना उसे सुनवाई का अवसर प्रदान किए हुए उसके विरुद्ध और धाराएं लगा दी गई और अभियोजन यह न कह सके कि जो चार सीट आई है उसके अतिरिक्त न्यायालय धाराएं लगा दी एक बात जो स्पष्ट कर देना चाहता हूं यहां पर छात्रों के लिए वह यह है कि आरोप तय करते समय न्यायालय आरोपित धाराएं बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है जैसे मैंने पहला भी, पहले भी बताया कि पुलिस रिपोर्ट में लिखी गई बातें चार्जशीट में लिखी गई बातें वेद वाक्य वेद वाक्य नहीं है और न्यायालय उन, उन 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 चार्जशीट में लिखी गई बातों को वेद में लिखी गई बातों की तरफ मानने के लिए बाध्य नहीं है चार्जशीट को पूर्तः खारिज कर सकता है या स्वीकार इसका मतलब यह है कि जो Brud, कभी कभी ऐसा प्रश्न भी पूछा जाता है क्या आपराधिक न्यायालय आरोप तय करते समय अभियुक्त के विरुद्ध अन्य धाराएं भी लगा सकता है या धाराएं बढ़ा सकता है बढ़ी हुई धाराओं बढ़ी हुई धाराएं अभियुक्त के विरुद्ध लगा सकता है तो यह उत्तर हमेशा इसका सकारात्मक होगा कि आपराधिक न्यायालय अभियुक्त के विरुद्ध निर्णय सुनाए जाने के पूर्व धाराएं बढ़ा सकता है या कम कर सकता है यह न्यायालय का विवेक है यह न्यायालय साक्षियों के आधार पर यदि कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य मिलता है तो अभियुक्त यह नहीं दावा कर सकता कि यह न्यायालय के द्वारा आरोप तय करते समय क्यों धाराएं बढ़ा दी गई तो यह ध्यान रखना है लेकिन जब भी कोई अल्ट्रेशन होगा चार्ज में परिवर्तन होगा तो एक बात ध्यान रखनी है कि चूंकि उससे अभियुक्त का हित प्रभावित होगा इसलिए अभियुक्त को भी सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा और अभियुक्त का अवसर अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाएगा इसका कदापि अर्थ नहीं है कि अभियुक्त की पूरी की पूरी बात मानने के लिए न्यायालय बाध्य है केवल यह एक प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है कि अभियुक्त की बात को सुन लिया जाए कि क्या वह उसको काटने के लिए क्या कोई साक्ष्य दे रहा है और यदि वह उसके पास भी कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य है कि जिस तारीख और समय पर अपराध की बात की जा रही वह वहाँ अन्यत्र था तो उसकी बात को सुन लेने से कम से कम आपराधिक न्यायालय नैसर्गिक न्याय के उस सिद्धांत के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर देगा जिसके लिए नैसर्गिक न्याय के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत कोई व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता और बिना किसी पक्ष को सुने हुए सुनवाई का अवसर प्रदान किए किए सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना दंडित नहीं किया जा सकता आरोपित नहीं किया जा सकता तो इसलिए सेक्शन 216 सिक्सटीन धारा दो सौ सोलह का रिक्वायरमेंट है आवश्यकता है कि आरोप में परिवर्तन निर्णय सुनाए जाने के पूर्व कभी भी हो सकता है परंतु दो बातें ध्यान रखनी है अभियोजन और अभिद को सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाता है अब आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जिसके अंतर्गत आरोपों का संयोजन है ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज आरोप तय करते समय न्यायालय के द्वारा जो सबसे महत्वपूर्ण इस स्लाइड इसको देखें मैंने ये इस स्लाइड इसलिए बनाया है जिससे छात्रों को ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त हो सके एक तरफ मैंने लिखा है सेक्शन टू जो बेसिक रूल दिया हुआ है एक तरफ लिखा हुआ है उसके अपवाद हैं सेक्शन 219, 220, 221, 223 तो हम दोनों को एक एक साथ एक एक करके व्याख्या करेंगे कि जो की धारा 218 है उसमें आरोप तय करने के विषय में आधारभूत सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया है वह सीआरपीसी की धारा 218 क्या है सेक्शन 218 एटीन यह प्रावधानित करती है कि डिस्टिंक्ट ऑफेंस के लिए सुभिन्न अपराध के लिए पृथक आरोप तय किया जाएगा और पृथक विचारण किया जाएगा मैं इसको पुनः रिपीट करता हूं सीआरपीसी की धारा 218 यह प्रावधानित करती है कि सुभिन्न अपराधों के लिए पृथक आरोप तय किया जाएगा और पृथक विचारण किया जाएगा इसको जो इंग्लिश में वर्ड यूज किया गया है सेक्शन टू में वह है फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस देयर मस्ट बी सेपरेट चार्जेज एंड देयर मस्ट बी सेपरेट ट्रायल इसका अर्थ केवल और केवल यह है कि अभियुक्त के द्वारा किए गए डिफरेंट ऑफेंस को अलग अलग अपराध के लिए अलग अलग आरोप तय किए जाएंगे और अलग अलग बिछाण किया जाएगा ट्रायल किया जाएगा ऐसा क्यों यह बिल्कुल स्पष्ट है यह सेक्शन 218 जो सामान्य नियम को प्रतिपादित करता है उसको केवल और केवल उसका उद्देश्य यह है कि यदि अभियुक्त के द्वारा किए गए अलग अलग अपराधों के लिए सेपरेट चार्ज फ्रेमिंग होगी और सेपरेट ट्रायल होगा तो अभियुक्त भुलावे में नहीं होगा अभियुक्त अपना बचाव इफेक्टिवली कर सकता है किसी प्रकार का कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं होगा ओवरलैपिंग नहीं होगी और यदि सेपरेट चार्ज फ्रेमिंग होगी और सेपरेट ट्रायल होगा वरना हो सकता है कि यदि अभियुक्त के द्वारा कई अपराध किए गए हैं और उसका एक साथ चार्ज फ्रेमिंग हो और एक ही दिन ट्रायल हो तो हो सकता है कि अभियुक्त अपना बचाव सही तरीके से न कर ले और अभियुक्त किसी संदेह किसी डाउट में या उसमें संदेह का संदेह के आधार पर अपना बचाव उचित तरीके से न कर पाए इसलिए चूंकि मैंने कहा कि फेयर ट्रायल आपराधिक विधि का एक आधारभूत सिद्धांत है निष्पक्ष विचार और फेयर ट्रायल के लिए आवश्यक है कि भिन्न भिन्न अपराध के लिए सेपरेट चार्ज फ्रेमिंग होनी चाहिए और सेपरेट ट्रायल होना चाहिए यह केवल और केवल वाद की बहुलता को रोकने के लिए जो मल्टी जो मल्टी स्लिपिटी ऑफ सूट्स हैं मल्टीप्लिस मल्टीप्लिसिटी ऑफ केसेस हैं उसको अवॉयड करने के लिए यह कहा गया कि सेपरेट चार्ज फ्रेमिंग होनी चाहिए और सेपरेट ट्रायल होना चाहिए तो इसका अर्थ हो गया कि सेक्शन 218 यह कोर्ट को लिबर्टी देती है कोर्ट को एम्पावर शक्ति प्रदान करती है कि न्यायालय अभियुक्त के द्वारा भिन्न भिन्न अपराध के लिए अलग आरोप तय करे और अलग ट्रायल करे अलग तारीख और समय पर उसका विचारण करे परंतु उसी धारा दो में लिखा हुआ परंतु अभियुक्त के द्वारा आवेदन देने पर और न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि सुभिन्न अपराध के लिए अभियुक्त को अभियुक्त के विरुद्ध एक ही साथ आरोप तय किया जा सकता है और संयुक्त विचारण हो सकता है एक ही विचारण हो सकता है तो ऐसी स्थिति में अभियुक्त के द्वारा दिए गए आवेदन के पश्चात न्यायालय उस अभियुक्त के द्वारा किए गए भिन्न भिन्न अपराधों के लिए एक ही विचारण में सुनवाई कर सकता है और फैसला निर्णय दे सकता है ये सेक्शन 218 के परन्तु प्रोविजल एक्लाज में लिखा हुआ है अब देखते हैं कि सेक्शन टू एटीन में जो बेसिक रूल दिया हुआ है फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस तो सुभिन्न अपराध का अर्थ क्या है सुभिन्न अपराध का अर्थ यहाँ पर कि अभियुक्त के द्वारा किए गए किए गए डिफरेंट ऑफेंसेस हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे दृष्टांत मैंने स्लाइड के माध्यम से आप देखें कि एक मैंने दृष्टांत इसमें लिखा हुआ है स्लाइड पर कि पुलिस कस्टडी से किसी अभियुक्त को छुड़ाना और पुलिस पुलिस टीम पर हमला करना यह अभियुक्त के द्वारा दो भिन्न भिन्न अपराध किए गए हैं एक तो पब्लिक सर्वेंट पर पब्लिक प्राधिकारी को उसके सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करना दूसरा किसी भी अभियुक्त को पब्लिक अथॉरिटी के लाफुल कस्टडी से ले जाना ये दो अपराध हो गए तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के विरुद्ध दो भिन्न भिन्न भिन अपराधों के लिए सेपरेट पृथक चार्ज आरोप तय होगा और पृथक ट्रायल होगा दो धाराओं में उसके दो धाराएं तो उसने दो मतलब उस अभियुक्त ने जिन जिसने भी किसी अभियुक्त को पुलिस कस्टडी से हर, निकाला है उसने दो अपराध किया है एक तो सरकारी कार्य में बाधा डालना अटैक किया है पुलिस टीम पर दूसरा किसी अभियुक्त को अपराधी को लाफुल कस्टडी से बाहर ले गया है तो ऐसी स्थिति में जो आरोप तय होगा अभियुक्त के अगेंस्ट वह एक स, एक स, दो अपराध उसने कर दिया है दो अपराध में उसका आरोप तय होगा और सेपरेट बिछाण होगा पृथक बीचाण होगा तो यह बात ध्यान इस बात ए, इन बातों को ध्यान रखना है अब बात करते हैं आरोपों का संयोजन ज्वाइंडर आपसे आज जब एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा कोई अपराध किया जाए तो क्या उन सभी व्यक्तियों के द्वारा किए गए अपराध को एक साथ उनका ट्रायल ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है तो उत्तर होगा हां उदाहरण के माध्यम से इसको समझा जा सकता है आईपीसी की धारा 34 के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण केस है बारिंदु कुमार घोष वर्सेज एम्परर महबूब शाह वर्सेज एम्परर ये सब आईपीसी की सेक्शन 34 के अंतर्गत बताया जाता है जो जहां पर एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसण में अपराध किया जाता है वहां कानून ये मानती है सेक्शन 34 फोर यह मानता है कि मानो अपराध किसी एक व्यक्ति ने अकेले ही किया है तो ऐसी स्थिति में बारुण कुमार, कुमार घे बारुण कुमार घोष की केस में जैसा कि उसका साक्ष्य आप सभी को मालूम होगा कि क्या घटना घटित हुई बारिंद कुमार घोष को एक पोस्टमास्टर की हत्या के लिए आईपीसी की धारा 302 के अंतर्गत अभियोजित किया गया था उसका यह तर्क कि वह पोस्ट ऑफिस के बाहर मात्र खड़ा था और इंतजार कर रहा था उसने गोली नहीं चलाई न्यायालय ने स्तर को मान्य स्वीकार किया जब चार्ज फ्रेमिंग हो रहा था तो यह माना गया कि बारिंद कुमार घोष अपने अन्य मित्रों के साथ अपने अन्य अभियुक्तों के साथ को अक्यूजों के साथ भी उतना ही भागी था जितने कि उसके और अन्य सहमित्र तो चूंकि वह अपराध एक से अधिक व्यक्तियों के द्वारा किया गया कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए अब प्रश्न होता है कि क्या सभी अभियुक्तों के विरुद्ध किए गए अपराध के लिए अलग अलग तारीख और समय पर आरोप तय किए जाए और उसका ट्रायल बिछाण किया जाए या सभी अभियुक्तों को संयुक्त ज्वाइंट ट्रायल किया जाए तो ऐसी स्थिति में सीआरपीसी की धारा 223 के अंतर्गत यह धारा दो का अपवाद दिया गया है कि जहां पर कई व्यक्तियों के द्वारा एक ही संव्यवहार के अधीन अपराध किए जाएं, वहां पर सभी व्यक्तियों का एक साथ विचारण किया जा सकेगा इससे आ, किन किन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सकेगी जब ज्वाइंट ट्रायल होगा तो जो सरकार का अनावश्यक व्यय है कि अलग अलग तारीख पर अभियुक्त की जब पेशी होगी ट्रायल होगा अलग अलग तारीख पर न्यायालय के समक्ष उसकी जब पेशी होगी तो सरकार के लिए उसको अभियुक्त को पेश होने के लिए पुलिस को लाना, उसका सर सरकार का अनावश्यक खर्चा और न्यायालय का भी जो महत्वपूर्ण समय है वह भी बर्बाद होगा कि एक ही अपराध किया गया है कई लोगों ने अपराध किया है और हम उसी चीज़ को कई डेट पर उसका ट्रायल कर रहे हैं कई कई तारीख पर आरोप तय कर रहे हैं तो इस लिहाजा सरकारी यह न्यायालय के महत्वपूर्ण समय को बचाने के लिए सरकार के अनावश्यक व्यय को कम करने के लिए और स्पीडी ट्रायल शीघ्रतर विचारण सुनिश्चित करने के लिए जो कि पैरा माउट कंसर्न है संविधान के आर्ड की लिखी इसका स्पीडी इस ट्रायल यह सुनिश्चित करने के लिए सी की धारा दो के अंतर्गत ज्वाइंट ट्रायल की बात की गई कि जहाँ पर कई व्यक्तियों के द्वारा एक ही संव्यवहार के अंतर्गत कोई अपराध किया जाए वहाँ पर सभी व्यक्तियों के विरुद्ध संयुक्त विचारण हो सकेगा तो यह हो गया सेक्शन 223 के अंतर्गत अब इसमें देखें एक ठीक सेक्शन 219 में जो दो धारा अठारह के बाद का प्रावधान है सेक्शन 219 में लिखा हुआ है कि जहां पर एक ही किस्म के तीन अपराध एक ही वर्ष में किसी अभियुक्त के द्वारा किए गए हों वहां पर उस अभियुक्त के विरुद्ध संयुक्त विषाण हो सकेगा सभी आरोपों का अलग आरोप तय किया जाएगा और ज्वाइन ट्रायल किया जा सकेगा अब इसमें देखते हैं इस धारा का उद्देश्य इस सेक्शन का उद्देश्य क्या है मैंने जैसा कि बताया स्पीडी ट्रायल न्यायालय के महत्वपूर्ण समय को बचाना सरकार के अनावश्यक व्यय को कम करना ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं ज्वाइंट ट्रायल के जिसको कि ध्यान में रखना है कभी कभी प्रश्न प्रायः इंटरव्यू में साक्षात्कार में पूछे जाते हैं और लिखित परीक्षा रिटर्न टेस्ट में भी पूछे जाते हैं कि जो ज्वाइंट ट्रायल है इसका ऑब्जेक्ट क्या है उद्देश्य क्या है अभियुक्त वही है उसने तीन अपराध कर दिया एक साथ में कई अभियुक्त हैं एक अपराध सभी लोगों ने मिलकर किया है तो ऐसी स्थिति में ज्वाइंट ट्रायल से किस उद्देश्य की प्राप्ति करना हम चाहते हैं तो उत्तर होगा ज्वाइंट ट्रायल के माध्यम से हम न केवल स्पीडी ट्रायल को शीघ्रतर विषाण को सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि साथ ही साथ सरकार के अनावश्यक व्यय और न्यायालय के महत्वपूर्ण समय को भी बचा पाएंगे और इन तीनों के साथ साथ और भी एक जो महत्वपूर्ण बात है कि जो आपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित तो वादों की संख्या है उसको भी रिड्यूस किया जा सकेगा कम किया जा सकेगा यदि हम ज्वाइंट ट्रायल करते हैं तो इससे स्पीडी इस ट्रायल भी होगा और जो पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल केसेस हैं बिफोर सबार्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष उसको भी कम किया जा सकेगा तो इन उद्देश्यों के साथ इन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए ज्वाइंट ट्रायल की बात की गई है और जो सेक्शन 219 से लेकर के सेक्शन 223 तक दिया गया है कि ये ज्वाइंटर आप चार्जेज जो कई चार्जेज हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाए आरोपों का संयोजन कर दिया जाए तो ये अब इसको समझते हैं कि एक ही किस्म के कौन अपराध होंगे और क्यों ये बाध्यता दी गई कि एक ही वर्ष में एक ही किस्म के तीन अपराध चार अपराध क्यों नहीं हुए पांच अपराध क्यों नहीं हुए तो इसका कोई तर्क नहीं कि चार क्यों नहीं हुए या पांच क्यों नहीं हुए बस यह उसके पीछे तर्क यह है कि यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध किए जाने की तारीख से एक वर्षों में कुल मिलाकर के बारह महीने में यदि उसने एक ही किस्म के अपराध तीन अपराध किए हैं तो उसका ज्वाइंट ट्रायल उस अभियुक्त के अगेंस्ट उस व्यक्ति के विरुद्ध ज्वाइंट ट्रायल हो सकेगा एक ही किस्म के अपराध से तात्पर्य यहाँ पे उस अपराध में वे अपराध एक ही किस्म के अपराध कहे जाएंगे धारा दो के प्रयोजनों के लिए जो समान दंड की मात्रा से दंडनीय है भारतीय दंड संहिता या अन्य किसी दंड विधि के अंतर्गत वे अपराध एक ही किस्म के अपराध कहे जाएंगे जिसमें दंड की समानता है क्वांटम ऑफ पनिशमेंट जिसमें सेम है जैसे मैंने बताया कि आपराधिक भंग हो या क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन हो धारा चार सौ तीन आई पी सी चार सौ आई पी सी के अंतर्गत जिसमें दो वर्ष के कारावास का प्रावधान हो चोरी जिसमें तीन वर्ष के कारावास का प्रावधान हो तो इस प्रकार के अपराध जिसमें दंड की समान दंड की मात्रा की समानता हो और ऐसा ऐसे तीन अपराध किए जाएं बारह महीने के भीतर तो अभियुक्त के विरुद्ध धारा दो सौ उन्नीस के अंतर्गत संयुक्त विषाण हो सकेगा ज्वाइंट ट्रायल हो सकेगा इसका उद्देश्य केवल और केवल स्पीडी ट्रायल शीघ्रतर विषारण सुनिश्चित करना है स्पीडी जस्टिस स्पीडी ट्रायल शीघ्रतर विचारण को सुनिश्चित करना है साथ ही साथ जो मैंने बताया न्यायालय के महत्वपूर्ण समय को कम करना और और पेंडेंसी आप जो सूट पेंडेंसी आप क्रिमिनल केसेज केसे हैं अपराधिक न्यायालय के समक्ष लंबित वादों की संख्या है उसको कम करना इसका उद्देश्य है तो मैं समझता हूं कि इससे अब यह जो एक वर्ष इसमें लिखा हुआ है यह एक वर्ष कैलेंडर के हिसाब से नहीं होगा कि एक फर्स्ट जनवरी से लेकर के दिसंबर तक यह एक वर्ष माने जाएंगे विगत बारह माह में जो अपराध उसने किया है पिछले लास्ट ट्वेल्व मंथ में जो अपराध अगर एक ही किस्म के तीन अपराध किए हैं तो उसके लिए सेक्शन टू नाइनटीन दो धारा दो सौ उन्नीस यह प्रावधान करती है कि उसमें संयुक्त ट्राय विषाण हो सकेगा और अभिद के आ, अभिद को दो सिद्धिया दोषमुक्त किया जा सकता है जैसी स्थितियाँ हों तो अब इस स्लाइड के माध्यम से देखें कि अपराधों का संयोजन के लिए सीआरपीसी के अंतर्गत कैस किस प्रकार की प्रक्रिया दी गई है इसमें जो मैंने बताने का प्रयास किया कि एक ही संव्यवहार के अधीन एक से अधिक अपराध का, का संयोजन एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध का संयोजन जहां संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है वहां पर आरोप कैसे तय किया जाएगा इसमें स्लाइड स्लाइड पर स्लाइड में आप देखें, एक ही संव्यवहार के अधीन एक से अधिक अपराध का संयोजन उसको अभी इसको इसकी व्याख्या करते हैं उसके नीचे मैंने एक केस लिखा है आर एस नायक वर्सेज ए आर अंतुले ए आई आर नाइनटीन सुप्रीम कोर्ट तो ऐसी स्थिति में जो आर एस नायक वर्सेज ए आर अंतुले नाइनटीन की केस है यह यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है कि इस केस में अभियुक्त के द्वारा न्यायालय के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसका अन्य अभियुक्तों के साथ ज्वाइंट ट्रायल किया जाए संयुक्त बिछाण किया जाए न्यायालय के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णित किया गया कि ज्वाइंट ट्रायल का दावा अभियुक्त अधिकारपूर्वक नहीं कर सकता है यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि किस मामले में अभियुक्त का ज्वाइंट ट्रायल होगा और ज्वाइंट ट्रायल नहीं होगा यह अभियुक्त का कोई लीगल राइट कोई विधिक अधिकार नहीं है जैसा कि आप सभी जानते होंगे आर एस नायक वर्सेज यारंतुले अंतुले एक आईपीसी की धारा 383 जिसमें उद्यापन एक्सटॉर्सन दिया गया है वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है सेक्शन ट्वेंटी वन आई में जो पब्लिक सर्वेंट की बात करती है वहाँ पर भी ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है अब जब हम सी की बात कर रहे हैं तो आई से हम इसको कैसे जोड़ सकते हैं कनेक्ट कर सकते हैं यदि वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम पूछी जाए कि आर एस नायक वर्सेज ए आर अंतुले निम्नलिखित में से किस धारा पर संबंधित वाद है तो हमें सेक्शन 383 एटी थ्री एक्स्टोरसन उद्पन अवश्य याद होना चाहिए यह एक्सटॉर्सन के सेक्शन 383 में भी महत्वपूर्ण केस है पब्लिक सर्वेंट सेक्शन ट्वेंटी वन के अंतर्गत महत्वपूर्ण है यहाँ पर सीआरपीसी की धारा टू नाइन ज्वाइंट ट्रायल सेक्शन टू ट्वेंटी थ्री ज्वाइंट ट्रायल के अंतर्गत भी महत्वपूर्ण है तो इस तरह से यदि हम एक दूसरे से कोरिलेट करके याद करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से न केवल हम एक कानून को एक लॉ को साथ ही साथ दूसरे लॉ को भी उससे कनेक्ट करते हुए याद कर पाएंगे और हमारी प्रिपरेशन भी अच्छी होगी तो इसमें जैसा कि आप जानते होंगे आर एस नायक वर्सेज ए अंतुले का जो केस है ए अंतुले महाराष्ट्र राज्य के भूत भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे और इनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 384 एटी उद्यापन के अपराध के लिए भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था कि जब ये अपने मुख्यमंत्री थे अपने मुख्यमंत्री काल में इन्होंने कैसे ज्वाइंट चार्ज के लिए यहां पर इंपॉर्टेंट इस केस को वह हमें बताने का प्रयास कर रहा हूं कि इन्होंने एक मीटिंग कॉल की और उसमें जो डिप्टी डायरेक्टर केन शुगर होते हैं चूंकि महाराष्ट्र में चीनी मिलें ज़्यादा हैं तो ए आर अंतुले के द्वारा गन्ना आयुक्त जो डायरेक्टर थे उस समय एक मीटिंग की गई उस मीटिंग में ये कहा गया कि महाराष्ट्र राज्य में जितनी भी शुगर फैक्ट्रीज हैं चीनी जो चीनी मिल मालिक हैं उनको इनवाइट किया जाए और उनसे कहा जाए कि उनके जो है जो बंद पड़ी हुई चीनी मिलें हैं उनको उनके विषय में निर्णय मुख्यमंत्री और उनके सहयोगी अधिकारियों के द्वारा लिया जाएगा लेकिन उसके लिए एक इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट में यदि वह पैसा डोनेट कुछ करेंगे कुछ पैसा योगदान करेंगे तो उनके जो जो चीनी मिल मालिक हैं उनकी फैक्ट्रियों के विषय में कोई निर्णय लिया जा सकेगा अब यहाँ पर ए आर रहमान अंतुले के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया कि चूंकि मुख्यमंत्री रहते हुए उनके द्वारा पैसे की डिमांड करना एक प्रकार से एक्सटॉर्सन है एक प्रकार से उद्यापन है और लोगों के मस्तिष्क को में भय डालकर कि उनके बंद हुए फैक्ट्रियों पे निर्णय लिया जाएगा इन्होंने ऐसा कार्य किया है तो ऐसी स्थिति में यह सेक्शन 383 में इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ये माना गया कि यार अंतुले ने दावा किया कि चूँकि एक ही आ, कई व्यक्तियों के द्वारा उसमें जो मीटिंग हुई थी डायरेक्टर भी थे निदेशक भी थे अब्दुल रहमान अंतुले भी थे तो क्लेम किया गया ए आर अंतुले के द्वारा कि ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए संयुक्त विचार होना चाहिए जिससे कि जो जो बातें उसके अन्य सहयोगी ए आर अंतुले के अन्य जो सहयोगी अधिकारी थे उस समय उन्होंने जो बातें कही थी वे सभी साक्ष्य एक साथ न्यायालय के समक्ष आएगा न्यायालय ने ज्वाइंट ट्रायल के डिमांड को खारिज कर दिया इस आधार पर कि जो संयुक्त विषाण का अधिकार है ये अभियुक्त का कोई अधिकार नहीं है यह न्यायालय के विवेक पर निर्भर करता है कि ये ज्वाइंट ट्रायल होना चाहिए या ज्वाइंट ट्रायल नहीं होना चाहिए तो यह एक महत्वपूर्ण केस है जो जिसके माध्यम से समझा जा सकता है कि ज्वाइंट ट्रायल अभियुक्त साधिकार क्लेम नहीं कर सकता है दूसरा इसमें देखें जो एक धारा 223 के अंतर्गत मैंने स्लाइड में के माध्यम से बताने का प्रयास किया है अब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए अपराध का संयोजन ज्वाइंडर ऑफ चार्जेज जहां पे एक से अधिक व्यक्तियों ने अपराध किया है वहां पर सेक्शन 223 ट्वेंटी थ्री ये न्यायालय को शक्ति प्रदान करती है कि न्यायालय ऐसे सभी अभियुक्तों को के विरुद्ध संयुक्त आरोप तय कर सकता है और संयुक्त विचारण कर सकता है ज्वाइंट ट्रायल कर सकता है उदाहरण के तौर पर यह सेक्शन 23 सीआरपीसी की उपयोगिता कैसे होगी कैसे इसको समझा जाए और सरल भाषा में तो आप सेक्शन 34 को देखें सेक्शन 149 को सीआरपीसी को देखें सेक्शन 34 या 149 सीआरपीसी के अंतर्गत आप देखेंगे कि ज्वाइंट लाइबिलिटी की बात की गई है ज्वाइंट क्रिमिनल लाइबिलिटी की बात की गई है जब एक से अधिक व्यक्ति सभी सदस्यों के समान उद्देश्य के अग्रसरण में कोई अपराध करते हैं तो ये माना जाता है कि मानो कि सभी व्यक्तियों ने वो अपराध किया है तो ऐसी स्थिति में जहां पर सेक्शन 34 का मामला हो आईपीसी के अंतर्गत या विधवृद्ध जमाओं के द्वारा कोई अपराध किया जाए जैसा कि हम बलवा में देखते हैं कोई रायट होता है या इस प्रकार के अपराध जो कई व्यक्तियों के द्वारा एक ही संव्यवहार के अधीन किए जाते हैं वहां पर सेक्शन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री की उपयोगिता बढ़ जाती है तो धारा चौंतीस धारा थर्टी फोर के जितने भी मामले होंगे सेक्शन वन फोर्टी नाइन के जितने भी मामले होंगे अनलाफुल असेंबली के द्वारा कोई अपराध किया जाता है तो वहां पर केवल और केवल सीआरपीसी की धारा 223 के अंतर्गत आरोप तय किया जा सकता है और यहाँ पर वो हेल्पफुल होगी उस अपराध को हम प्रायः मॉब लिंचिंग एक शब्दावली जैसे विगत कई वर्षों में हमने देख, हमें देखने को मिला कि जो मॉब लिंचिंग के मामले हैं उस मॉब लिंचिंग को सेक्शन 34 में माना जाए या ना माना जाए ये भी एक प्रायः क्वेश्चन पूछा जाता है तो मॉब लिंचिंग और सेक्शन 34 दोनों अलग अलग बातें हैं ये ध्यान रखना है मॉब लिंचिंग में कॉमन इंटेंशन नहीं होता इसलिए मॉब लिंचिंग में इंडिविजुअल लाइबिलिटी हो सकती है कलेक्टिव लाइबिलिटी नहीं हो सकती है समान आशय थर्टी के सेक्शन थर्टी का अप्लीकेशन मॉब लिंचिंग में नहीं हो सकता है इसलिए आरोप तय करते समय न्यायालय सेक्शन 23 की साधु दो की सहायता कहां पर लेगा यह आपराधिक स्वयं धारा दो के अंतर्गत बताया हुआ है कि जब कई व्यक्तियों के द्वारा अपराध किए जाए तो वे सभी मामले जो धारा दो सौ में न आते हो कई व्यक्तियों के द्वारा यदि कोई अपराध किया जाए तो उन सभी व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप तय करते हुए उनका ज्वाइंट ट्रायल संयुक्त विचारण हो सकेगा यह धारा दो बताता है अब एक प्रश्न यह भी प्राय पूछा जाता है कि जहां पर संदेह हो कि कौन सा अपराध किया गया है वहां पर आरोप कैसे तय किया जाएगा इसके लिए धारा 221 के अंतर्गत धारा 221 सौ इक्कीस टू ट्वेंटी वन ये आपराधिक न्यायालय को पावर देती है शक्ति प्रदान करती है कि जहाँ पर न्यायालय भी संदेह में हो कि अभियुक्त के द्वारा कौन सा अपराध किया गया है वहाँ पर अभियुक्त के विरुद्ध उन सभी सुसंगत धाराओं में आरोप तय किया जा सकता है और उनका ट्रायल किया जा सकता है लेकिन अब यह कभी भी नहीं होगा इस प्रकार की बातें कि न्यायालय को यह डाउट हो जैसे चोरी का मुकदमा हुआ है चोलीस चोरी में चार सीट आई है और न्यायालय को यह डाउट है कि अभियुक्त ने चोरी किया है या मर्डर किया है तो यह चोरी और मर्डर दोनों अपराध बहुत ही अलग अलग हैं ऐसी स्थिति में दोनों में अस, दोनों में समानता बहुत ही बहुत ही बहुत गैप है इसलिए ऐसे अपराध में डिफरें ऐसे अपराध में डाउट संदेह नहीं होता संदेह होता है कहाँ पर वह है जैसे कि मैंने बताया आपराधिक भंग दुर्विनियोग आपराधिक दुर्विनियोग दस्तावेज के मैनिपुलेशन और धोखाधड़ी करने के आरोप जहां पर इतनी इतना दो अपराध इतने सन्निकट हों कि उसमें एक लाइन खींचना मुश्किल हो जाए कभी कभी हम देखते हैं जैसे कल पेबिल होमेसाइड और मर्डर का मामला आता है कि आपराधिक मानवबद्ध है या हत्या है तो अब उसमें डेलिब्रेट मर्डर जहाँ हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर बहुत ज़्यादा समय बहुत डाउट डाउट नहीं होता कि जहाँ पे इंटेंशनल किलिंग हुई है किसी व्यक्ति के टुकड़े टुकड़े कर दिए काट दिए गए हैं यह बिल्कुल डेलीबरेट किलिंग है तो वह हत्या है उसमें कोई डाउट नहीं है लेकिन हर्ष फायरिंग है शादी या विवाह में कभी गोली चलती है अब उस गोली से कोई व्यक्ति मरा है उसको एक्सीडेंट माना जाए दुर्घटना माना जाए गैर इरातन हत्या है या वह मर्डर है ये ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा न्यायालय के लिए भी डाउट हो जाता है जहाँ पर एविडेंस साक्ष्य स्पष्ट नहीं है कि कल्पेबल होमेसाइड माना जाए आपराधिक मानवबद्ध माना जाए या मर्डर माना जाए वहाँ के लिए ये धारा दो सौ इक्कीस सी आर पी सी का उपयोग उपयोगिता ज़्यादा हो जाती है ये ध्यान रखना है अब आते हैं इसके पश्चात एक आरोप के अंतर्गत और एक महत्वपूर्ण धारा है जिसमें है कि क्या आरोप लगाए गए धारा से भिन्न आधार पर आरोप तय किया जा सकता है और न्यायालय दंड दे सकती है तो इसका उत्तर सकारात्मक होगा कि न्यायालय के द्वारा आरोपित धारा से भिन्न धारा में अभित को दंडित किया जा सकता है ये जैसा कि मैंने बताया इसको स्लाइड के माध्यम से देखें कि आरोप में लोप या त्रुटि का प्रभाव क्या होगा यदि आरोप में कोई एरर हो गया है या ओमिट न्यायालय ने कर दिया है तो उसका इफेक्ट क्या होगा ये सेक्शन 215 और दो फोर सिक्सटी फोर के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है तो दोनों धाराओं का जब हम अध्ययन करते हैं तो सेक्शन 215 में लिखा हुआ है कि इफेक्ट ऑफ एरर इन चार्ज फेमिंग आरोप गलत आरोप गलती का प्रभाव क्या है आरोप में गलती का प्रभाव सेक्शन टू में चार्ज फेमिंग के ही तरह और सेक्शन 464 में लिखा हुआ है कि अगर जजमेंट आ जाता है प्राधिक न्यायालय का और यह पाया जाता है कि उसमें कोई एरर था चार्ज फेम में कोई ओमिशन था लोप था जो न्यायालय को ज्वाइन करना चाहिए था वह ज्वाइंडर नहीं हो पाया या मिस ज्वाइंडर हो गया तो मिस ज्वाइंडर नॉन ज्वाइंडर जो दो स्थितियां हैं दोनों अलग अलग स्थितियां हैं तो मिस ज्वाइंडर की स्थिति में या नॉन ज्वाइंडर की स्थिति में यदि कोई जजमेंट आ जाए निर्णय आ जाए न्यायालय का आदेश या दंडादेश क्या मात्र इस आधार पर अपास्त कर दिया जाए कि आरोप तय करने वाले न्यायालय के द्वारा गलत गलती कर दी गई या कोई लोप कर दिया गया कोई चूक हो गई तो यह तभी महत्वपूर्ण होगा मैंने जैसा कि बताया यह तभी उस गलती को गंभीर माना जाएगा तात्विक माना जाएगा जब वह एरर महत्वपूर्ण तभी मानी जाएगी जब अपीली न्यायालय या पुन न्यायालय यह संतुष्ट हो जाए कि वह गलती इतनी तात्विक थी इतनी महत्वपूर्ण थी कि अभियुक्त के प्रति न्याय नहीं हो पाया है तो ही तब तभी जा कर के उस गलत गलत आरोप तय करने या आरोप में चूक को महत्वपूर्ण मानते हुए न्यायालय निर्णय को सुन या पास कर सकता है तो ये आ, मैंने धारा 215 और 464 के अंतर्गत ये गलत आरोप में गलती या त्रुटि तो के प्रभाव को बताने का प्रयास किया तो यह मैं समझता हूँ कि सभी छात्रों के लिए यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चार्ज फ्रेमिंग जैसा मैंने अभी इस व्याख्यान के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि कैसे कहाँ प्रारंभ होगा और कहाँ यह समाप्त होगा केवल और केवल ये बात ध्यान रखनी है कि जब हम चार्ज फ्रेमिंग की बात करें तो हमारे तो छात्रों के मस्तिष्क मानस पटल पर यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि हम किस धारा सी की कि किस धारा से किस धारा की बात कर रहे हैं चार्ज फ्रेमिंग का तो कम से कम एक आइडिया होनी चाहिए मस्तिष्क में कि हम चार्ज फ्रेमिंग की बात कर रहे हैं धारा दो से, से लेकर के धारा 224 तक 224 तक समय अभाव के कारण चूँकि और इसको कवर नहीं और इसमें डिटेल ऐड नहीं किया जा सकता है परंतु मैंने संक्षेप में चार्ज फ्रेमिंग की जो इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस हैं उनको हाईलाइट करने का बताने का प्रयास किया है इससे न केवल आप प्रारंभिक परीक्षा बल्कि आपकी लिखित परीक्षा में भी आप निश्चित रूप से सफल होंगे यदि इतनी बातें आप समावेशित कर लें कि धारा टू एलेवन क्या है धारा दो सौ बारह क्या है सेक्शन टू थर्टीन दो सौ चौदह क्या है इनको एक जगह मिला करके आरोप के जो कंटेंट क्या है चार्ज पहले आरोप को डिफाइन करेंगे फिर आरोप के कंटेंट क्या हैं उनको लिखेंगे आरोप के तत्व फिर उसके बाद लिखेंगे जो आरोप से संबंधित चार्ज से संबंधित बेसिक रूल है सेक्शन टू एटीन को लिखेंगे फिर बेसिक रूल के जो एक्सेसन्स दिए गए अपवाद दिए गए सेक्शन 219 से लेकर 223 तक कि ज्वाइंटर ऑफ चार्ज पहले तो सेपरेट चार्ज फेमिंग होंगे सेपरेट ट्रायल होगा लेकिन हम ज्वाइंडर ऑफ चार्ज चार्ज को ज्वाइन भी कर सकते हैं और जॉइंडर ऑफ चार्जेज कब होगा क्यों होगा कितने क्या क्या उसके रूल्स हैं तो सेक्शन टू से लेकर दो तक की बातें एक आइडिया विचार में होना एक आइडिया होना चाहिए मस्तिष्क में विचार मस्तिष्क में होना चाहिए जिससे कि हम उसको संक्षेप में उसको अपनी बात को कर सकें लिख सकें और इसके पश्चात सेक्शन 215 और दो में इम्पॉर्टेंट है कि हम सेक्शन 215 और 464 के आलोक में इसको इसका अध्ययन करें अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज मैंने बताया कि आरोप में परिवर्तन कब तक हो सकता है इन बातों को यदि आप अपने उत्तर में समावेशित करते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अच्छा कर पाएंगे आरोप से संबंधित इसी शब्द के साथ मैं इस व्याख्यान को समाप्त करता हूं धन्यवाद थैंक यू